हमारे ब्रेन में ये टेंडेंसी है कि ब्रेन जो चीज़ एक अधूरा काम है उसको वो ज़्यादा याद रखता है बनिस्बत उस काम के जो कंप्लीट हो चुका होता है। चूँकि एक ब्रेकअप में अभी तक यू नो क्लोजर नहीं मिला तो हमारा ब्रेन उसमें उलझा रहता है, बिकॉज द ब्रेन वॉन्ट्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, दिस क्वेश्चन। सो ये टेंडेंसी नेचुरली अल्लाह ताला ने ब्रेन में रखी हुई है। क्लोजर, दिस इज़ सच एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आई गेट दिस क्वेश्चन सो मेनी टाइम्स के आई हैड दिस ब्रेकअप और या मेरी डिवोर्स हो गई एंड आई स्टिल डोंट हैव क्लोजर। सो ये बहुत लोगों के साथ होता है। टिपिकली द सिचुएशन इज़ वे वी हैव अ क्रश और एन इन्फैचुएशन विद समवन, वहाँ पे वी सी क्लोजर। या फिर एक ब्रेकअप की सिचुएशन में वेयर वी आर स्टिल ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये क्यों हुआ, अगले ने ऐसा हमारे साथ क्यों किया। क्योंकि जाहिर है व्हेन वी हैव डीप इमोशंस फॉर समवन एंड लेट्स से द अदर पर्सन वाज आल्सो गिविंग अ साइंस दैट दे आर आल्सो रेसिप्रोकेटिंग व्हाट वी आर फीलिंग एंड सडनली दे ईदर रैन अवे, दे वॉक्ड अवे, दे एंडेड द रिलेशनशिप और डिवोर्स हैपन, वट एवर, ऑब्वियसली वी गोइंग टू बी डेस्परेट टू अंडरस्टैंड द वाई डिड दिस हैपन, वट वर द रीजन्स। एंड वी कीप सेइंग आई डोंट हैव क्लोजर, आई हैव नॉट बिन एबल टू कम टू टर्म्स विद दिस। बात ये है कि एक्चुअली यू ऑलरेडी डू हैव द क्लोजर, जस्ट नॉट द काइंड दैट यू वॉन्ट। सो इफ यू डोंट वॉन्ट दैट काइंड ऑफ क्लोजर, वी आर गोइंग टू कीप आर ब्रेन बिजी विद क्वेश्चंस। ये टेंडेंसी हम सब में है, दिस इज नेचुरल, वी ऑल डू इट। तो इसके ऊपर बहुत रिसर्च हुई भी है एंड आई वॉन्ट टू टॉक टू यू अबाउट दिस। इसमें मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहती हूँ अबाउट दिस साइकाइट्रिस्ट हु डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट विच इज़ अबाउट क्लोजर। सो दिस इज फ्रॉम दिस इज कॉल्ड द ज़िगरनिक इफेक्ट एंड ऑल द रिसर्च वॉज डन, दिस वॉज अ रशियन साइकोलॉजिस्ट एंड शी बेसिकली रेड एंड स्टडीड एंड did her research on this concept of closure. The key findings of this research were as follows. Unfinished tasks are remembered approximately twice as well as completed ones. Matlab ke hamare brain mein ye tendency hai ke brain jo cheez ek adhura kaam hai usko wo zyada yaad rakhta hai banisbat us kaam ke jo complete ho chuka hota hai. चूँकि एक ब्रेकअप में अभी तक यू नो क्लोजर नहीं मिला तो हमारा ब्रेन उसमें उलझा रहता है, बिकॉज द ब्रेन वॉन्ट्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, दिस क्वेश्चन। सो ये टेंडेंसी नेचुरली अल्लाह ताला ने ब्रेन में रखी हुई है। तो एक तो ये रीज़न है। द रिकॉल वैल्यू ऑफ अनफिनिश्ड टास्क इज हाई बिकॉज देयर स्टिल एग्जिस्ट एन अनसेटिस्फाइड क्वाज़ाई नीड। सो इसका मतलब ये हुआ कि रिकॉल वैल्यू, अगेन मेमोरी की जो स्ट्रेंथ है, वो अनफिनिश्ड टास्क, अनफिनिश्ड बिजनेस के लिए ज़्यादा स्ट्रांग होती है और उसकी वजह से एक क्वाज़ाई नीड क्रिएट होती है। यानी क्वाज़ाई नीड का मतलब ये हुआ कि वो रियल बायोलॉजिकल नीड नहीं है। बायोलॉजिकल नीड्स जो हैं वो तो जाहिर है हमने सेटिस्फाई करनी ही है, लेकिन ये क्वाज़ाई नीड ऑलमोस्ट एज स्ट्रांग एज अ बायोलॉजिकल नीड हमारे दिमाग में क्रिएट होती है, लेकिन ये एक्चुअली रियल है नहीं। देन दिस क्वाज़ाई नीड इक्वेट्स टू अ स्टेट ऑफ टेंशन दैट नॉट ओनली ड्राइव्स अ डिजायर टू फिनिश द इंटरप्टेड टास्क बट ऑल्सो इंश्योर्स प्रोमिनेंस इन द सब्जेक्ट्स मेमोरी। मतलब क्या हुआ कि ये जो एक क्वाज़ाई नीड यानी एक फेक नीड हमारे दिमाग ने क्रिएट कर दी है, अब इसकी वजह से हमारी स्टेट, हमारी इमोशनल स्टेट में टेंशन क्रिएट हुई। उस टेंशन की वजह से वी आर गोइंग टू कंटिन्यू टू ट्राई टू सॉल्व दिस इशू कि ये ऐसा क्यों हुआ। और दूसरा ये कि ये अब हमारे दिमाग में एक बहुत प्रोमिनेंट सिचुएशन बन गई है और यही हमारे लाइफ में प्रोमिनेंट सिचुएशन बन जाती है, बिकॉज वट एवर यू पुट योर फोकस ऑन विल ग्रो इन योर लाइफ। इसीलिए मैं अपनी वीडियोज़ में बार बार कहती हूँ फोकस ऑन ग्रैटिट्यूड, तशक्कुर पे फोकस करें। अगर इसी सिचुएशन में हम उस चीज़ पे फोकस करने लग जाएं कि वट वॉज़ गुड इन दिस ब्रेकअप, हाउ वॉज दिस अ ब्लेसिंग, अगर उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे अपने दिमाग को फोर्स करके, तो हमारे लिए ये सिचुएशन ज़्यादा आसान होना शुरू हो जाएगी। लेकिन चूँकि ये बायोलॉजिकली एक तरह से क्वाज़ाई नीड प्रोड्यूस हो रही है, तो उसमें हम स्टक हो जाएंगे और अब हमारी ज़िंदगी में इसी इशू को प्रोमिनेंस आ जाएगी। इसीलिए 8, 10, 15, 20 साल बाद तक भी लोग उसी चीज़ में फंसे रहते हैं जो हो के कब की गुजर गई और अगला बंदा हैज़ मूव्ड ऑन, दे आर लिविंग देयर ओन लाइफ, बट वी रिमेन स्टक इन दिस इशू।
एंड देन द साइकोलॉजिकल स्ट्रेस परसिस्ट इफ द जॉब हैज नॉट बीन कंप्लीटेड टू द सब्जेक्ट सेटिस्फेक्शन इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर अनदर पर्सन डीम्स इट फिनिश्ड और नॉट. इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हमारे दिमाग में ये जॉब कंप्लीट नहीं हुई तो चाहे हमें सारी दुनिया कहे कि इसको छोड़ दो, व्हाई कैंट यू मूव ऑन, दिस इज डन, हमारा दिमाग इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा और सिर्फ तभी एक्सेप्ट करेगा जब हमने अपने दिमाग में इस चीज़ को समझ लिया कि ओके नाउ दिस इज़ फिनिश्ड. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. इसका मतलब क्या है कि यू मस्ट रियलाइज दैट क्लोजर कैन ओनली बी गिवन टू यू बाय योरसेल्फ. यू कैन नॉट गेट क्लोजर फ्रॉम अनदर पर्सन. चाहे आप उनसे बेग करें कि मुझे जवाब दो, मुझे, अगर आपके दिमाग में, आपके दिमाग ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया. Sometimes our values don't match. First, करें कि you were very close to them and your idea was that I am going to be loyal to them. Because I love them, I'm going to be loyal to them. लेकिन अगले शख्स ने, they also said they love you, but they were disloyal to you. This you cannot accept and you're just continuously going to try to accept. The fact is कि उन्होंने आपको actually closure दे दिया है through their actions. But we don't want to accept it because our values don't match. And therefore, we will never have closure. We have to understand that everybody has their own mindset, अपनी values होती हैं, अपने तरीके से इंसान act करता है. अगर हम अपने आप को closure दे दें ये कह के कि I'm going to look at the person's actions and I'm not going to keep myself as a prisoner to this situation. And I'm going to do this for myself. That does not mean कि आप अगले बंदे को forgive करें या ऐसी कोई situation है. You basically can never understand what made the person do what they did. So, इस question में entangle होके हम अपने लिए गढ़ा बार बार खोदते जाते हैं जिसमें हम गिरते जाते हैं और गिरते जाते हैं बजाय अगले बंदे पे focus करने के, focus on yourself. This has happened. You know, we create suffering and misery when we don't want to accept reality the way it is. So, इसी को हम कहते हैं राजी बरज़ाए इलाही होना कि ये एक चीज़ हो गई है. दिस हैज़ हैपन्ड. नाउ व्हाट शुड आई डू इन माय लाइफ टू मूव ऑन इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू जस्ट कॉन्स्टेंटली फिगरिंग आउट व्हाई डिड दे डू दिस, व्हाट डिड दे फील, डिड दे एवर फील एनीथिंग फॉर मी. फॉरगेट अबाउट ऑल दैट. फोकस ऑन द प्रेजेंट, द नाउ एंड योरसेल्फ एंड हाउ यू कैन मूव ऑन इन अ बेटर एंड पॉजिटिव वे.